नमस्कार। दिनभर की हर खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। पिछले 9 दिनों से पाकिस्तान लगातार कश्मीर वाली स्टंटबाजी कर रहा है। पाकिस्तान ने कश्मीर में धारा 370 हटाने के खिलाफ अपना ढोल पीटना शुरू किया, लेकिन 9 दिनों में उसका ढोल फट चुका है और पाकिस्तान उन हथकंडों पर उतर आया है जिनमें युद्ध का माहौल बनाने से लेकर कश्मीर के नाम पर फेक न्यूज फैलाने तक सब कुछ शामिल है। वो भारत में फूट डालकर माहौल खराब करना चाहता है। इसीलिए आज हम खबरदार में पाकिस्तान के फेक न्यूज वाले हथकंडों पर स्ट्राइक करेंगे। पाकिस्तान के नेताओं से लेकर पत्रकारों तक, सेना के रिटायर्ड जनरलों से लेकर आम लोगों तक, सब के सब सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने में पूरी ताकत से जुट गए हैं। ये ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी सेना और उसकी एजेंसियों के पैसे पर पलते हैं। आज की फेक न्यूज पाकिस्तान के सांसद और पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक ने फैलाई। उन्होंने ट्विटर पर कश्मीर का एक वीडियो पोस्ट किया और यह कहा कि भारतीय सेना कश्मीर के गांवों में हेलीकॉप्टर से अटैक और ब्लास्ट कर रही है, लेकिन यह फेक न्यूज तुरंत पकड़ में आ गई। जो वीडियो पोस्ट किया गया था वो कश्मीर का 1 साल पुराना वीडियो था, जिसमें एक जगह पर आतंकियों से एनकाउंटर चल रहा था और इसी दौरान आतंकियों के इकट्ठा किए गए विस्फोटकों में धमाका हो गया था। इससे पहले कल पाकिस्तानी सेना के करीबी एक पाकिस्तानी पत्रकार वजाहत खान ने ट्विटर पर फेक न्यूज फैलाई कि कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों के बीच झगड़ा शुरू हो गया है और मुस्लिम कश्मीरी पुलिसकर्मी ने सीआरपीएफ के 5 जवानों पर गोली चला दी, क्योंकि जवान एक गर्भवती महिला को कर्फ्यू पास न होने की वजह से जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। लेकिन इस फेक न्यूज पर तुरंत जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने जवाब दिया कि यह सरासर झूठ है। वर्दियों के रंग भले ही अलग अलग हों, लेकिन राष्ट्रभक्ति और हमारा तिरंगा सुरक्षा बलों के दिल में बसा है। जाहिर है पाकिस्तान तड़प रहा है कि किसी तरह से कश्मीर में हिंसा भड़के। अब झूठ की फैक्ट्री खोल कर बैठे पाकिस्तानी सेना के करीबी पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने के लिए ट्विटर से कहा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल ही पाकिस्तान के झूठ फैलाने वाले एजेंडे को करारा जवाब दे दिया था। There are also media report of firing by some security forces. We again strongly deny and I reiterate the statement made by my colleague that no such incident has taken place and we have already given a rebuttal on that. Also, we see some malicious campaign by on the social media platform is being done and that has been strongly refuted and we also request citizen not to pay attention to any such kind of malicious campaign which is being done which is being carried out by mischievous people. We have strongly denied this and we have also taken up the matter with the service provider to take legal action as per the law. कश्मीर पर हर तरीके के झूठ बोलकर पाकिस्तान ने एक तरह से सोशल मीडिया युद्ध छेड़ने की कोशिश की है। आज तक को खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अफवाहें फैलाकर हिंसा को भड़काने वाली साजिश में पाकिस्तान जुट चुका है। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर कश्मीर को लेकर फेक न्यूज फैलाने का पूरा एक सिस्टम खड़ा करने की कोशिश की है। बाकायदा कंट्रोल रूम बनाकर पाकिस्तान की तरफ से फेक न्यूज का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। फेक न्यूज फैलाने वाले करीब 100 सोशल मीडिया पेज और अकाउंट्स ट्रैक किए गए हैं। ऐसे अकाउंट्स पर अब गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सर्विस प्रोवाइडर से एक्शन लेने को कहा है। कश्मीर पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने वाली वेबसाइट्स पर एक्शन लिया जाएगा। कल ही भारत विरोधी फेक न्यूज फैलाने वाले 4 प्रमुख ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड करवाया गया। यानी हर युद्ध में हारने वाला पाकिस्तान अब सोशल मीडिया के युद्ध में भी हारने ही वाला है, क्योंकि भारतीय सुरक्षा बल और भारतीय एजेंसियां बिना देर लगाए तत्काल पाकिस्तान के फेक न्यूज की पोल खोल रही हैं और पाकिस्तान की हर खूनी उम्मीद को चकनाचूर कर रही हैं। सिर्फ फेक न्यूज वाली साजिशें ही नहीं, पाकिस्तान कितना छटपटा रहा है यह उसके उन हथकंडों से भी पता चलता है जिसमें कभी वो युद्ध का माहौल बनाता है, कभी कूटनीतिक ब्लैकमेलिंग करने लगता है। पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने रविवार को यह दावा किया था कि पाकिस्तानी सेना LOC की तरफ गोला बारूद लेकर बढ़ चुकी है। पाकिस्तान के एक और पत्रकार वजाहत खान ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना को इनफॉर्मल मूवमेंट के ऑर्डर मिल चुके हैं। आज पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के मंत्री फवाद चौधरी ने भड़काने वाली साजिश के तहत कहा कि भारतीय सेना के पंजाबी सैनिक कश्मीर में ड्यूटी करने से मना कर दें। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत असद मजीद खान ने यह कहकर ब्लैकमेलिंग शुरू की कि अगर पाकिस्तान की बात सुनी नहीं गई तो अफगानिस्तान में अमेरिका की शांति वार्ता बिगड़ जाएगी।
ये सब पाकिस्तान की छटपटाहट के बारे में बताता है। और ये छटपटाहट इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान का एजेंडा हर जगह पर फेल हो चुका है। डिप्लोमेसी में उसने कबूल ही कर लिया कि उसे दुनिया में कोई पूछ नहीं रहा, अब हर जगह पर पिट चुका पाकिस्तान ये स्टंटबाजी कर रहा है कि अब युद्ध हो जाएगा। और आपका वकील आपसे कह रहा है कि दुनिया की जो कचहरी है ना, वो कचहरी ताकत को समझती है, दौलत को समझती है। एक अरब की आबादी उसको नजर आती है, एक अरब की मार्केट उसको नजर आती है, खित्ते की रीअलाइनमेंट उसको दिखाई देती है। अगर आपकी आहो पुकार, आपकी चीखें उभरती भी हैं, तो वो कानों में उंगलियां दे देते हैं, कान बंद कर देते हैं, नजरें फेर लेते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बस रोना बाकी रह गया, क्योंकि 370 के नाम पर पाकिस्तान ने जितनी उछल कूद मचाई वो 9 दिन में सिर्फ और सिर्फ नौटंकी साबित हुई। चीखें निकाल निकाल कर पाकिस्तान का गला बैठ गया, लेकिन दुनिया का कोई भी देश खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान शिकायत लेकर अपने दोस्त चीन के पास गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि भारत ने तुरंत चीन से सीधी बात कह दी कि कश्मीर के मामले से दूर रहो। इमरान खान ने दुनिया भर के नेताओं को फोन घुमाया, पर बात नहीं बनी, क्योंकि जिनसे भी बात हुई उनमें अधिकतर ने कह दिया कि मिल बैठ कर बात कर लो। वो मुस्लिम देश भी पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं हुए जिनकी धर्म के नाम पर पाकिस्तान दुहाई देता है। यूएई ने तो साफ कह दिया कि अनुच्छेद 370 की बात भारत का आंतरिक मामला है। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की चीखों पर ठंडा जवाब दिया। जले पर नमक तो तब लगा जब सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको के भारत में 75 अरब डॉलर के निवेश की खबर पक्की हुई। एक अरब की मार्केट है और यहां इस खित्ते में आपने रीअलाइनमेंट देखी है ना आपने, मेरा आप इशारा समझ गए। एक नई रीअलाइनमेंट है, एक अरब की मार्केट है, बहुत से लोगों ने वहां इन्वेस्टमेंट कर रखी है। वैसे तो हम उम्मा और इस्लाम की बात तो करते हैं, पर उम्मा के महाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है वहां, उनके मफादात हैं वहां। तो मैंने कहा कि कश्मीर का मसला ये आज का है, ये पिछले 5 अगस्त से शुरू हुआ है, ये तो 7 दहाइयों से है, 30 साल से क्या हुआ इस पर। ये बयान ही बताता है कि पाकिस्तान का वो ड्रामा फ्लॉप हो गया जो ड्रामा वो 370 और कश्मीर के नाम पर इंटरनेशनल मंच पर करने में जुटा था। अब उसके पास अपना मुंह छुपाने के लिए एक ही रास्ता बचा है कि वो युद्ध के नाम पर स्टंटबाजी शुरू करे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कौन सी चीज है जो मैंने नहीं की जो ये कह रहे हैं, क्या मैं हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? किसी ने नहीं कहा आपको कि आप हमला कर दें, अगर आपने करना तो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने तो आपको कहीं नहीं कहा, काइंडली डोंट पुट दीज वर्ड्स इन माय माउथ। युद्ध की हिम्मत तो पाकिस्तान की है भी नहीं, लेकिन वो करे तो क्या करे, क्योंकि जो उछलकूद वाला ड्रामा उसने किया था वो चल नहीं रहा, तो अब बॉर्डर पर ही उछलकूद करने पर ध्यान लगा दिया। जबकि 5 दिन पहले तक खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री युद्ध की बातों को गलत बता रहे थे। पाकिस्तान इज लुकिंग एट पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड लीगल ऑप्शंस। हमारी हिकमत अमली ये है, वी आर नॉट लुकिंग एट ए मिलिट्री ऑप्शन, वी आर नॉट। ये क्लैरिटी आ गई। अब हिंदुस्तान ने जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट की है, आप उस एडिशनल डिप्लॉयमेंट को अगर कैलकुलेट कर लें तो 9 लाख फौजी तैनात है वहां। ये कहीं दुनिया में इतनी तैनाती आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। अब पाकिस्तान को क्या सेफ गार्ड्स और विजिलेंट रहने का हक नहीं है? हमने विजिलेंट रहने का फैसला किया है। लेकिन अब ये खबरें फैलाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तानी सेना बॉर्डर पर गोला बारूद लेकर तैयार हो रही है। पाकिस्तानी सेना के जनरल बाजवा एलओसी पर पहुंच गए, लेकिन भारतीय सेना प्रमुख ने भी सीधा जवाब दे दिया कि दुश्मन अगर यही चाहता है तो यही सही। ये देखिए, इस तरह की तैयारी, हम सदा सतर्क रहते हैं, हम सदा तैयार रहते हैं, किसी तरह की कार्रवाई होगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। ऐसे स्टेटमेंट से हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है और ना आपको फिक्र करने की जरूरत है।
हर जंग में पिटा पाकिस्तान अगर कोई हिमाकत करता भी है तो उसे पता है कि नतीजा क्या होगा। पाकिस्तान अब इसी में लगा है कि बॉर्डर पर वो थोड़ा बहुत ड्रामा करता रहे और साथ ही साथ वैसी साजिशें करता रहे जिससे कश्मीर को किसी तरह से भड़काया जाए और हिंसा फैले। सुन लो, तो आपका मुकदमा तो सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा, वो रद्दी की टोकरी में चला जाएगा, वो रद्दी की टोकरी की नजर हो जाएगा। अगर दुनिया ने देखा कि कश्मीरी खामोश है तो पाकिस्तान जो मर्जी कह ले, वहां बड़ी बड़ी ताकतें हैं और उनके बड़े गहरे मफादात हैं। उन मफादात का मुकाबला करना इस निहत्ती कौम को, इस बिखरी हुई कौम को एक मुट्ठी की तरह इकट्ठे होना पड़ेगा। अगर नहीं होगे तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान अपनी मक्कारी और खूनी उम्मीदों से बस ये इंतजार कर रहा है कि कैसे भी कश्मीर में खून बहे जिससे उसका काम बन जाए और वो जोर जोर से फिर से चीखें निकालने लगे। लेकिन अभी तो भारत के जवानों और जम्मू कश्मीर ने अपने जज्बे से पाकिस्तान का गला बैठा दिया है, क्योंकि कश्मीर में 9 दिनों में परिंदा भी पर नहीं मार सका। आज तक ब्यूरो। पिछले 9 दिनों में पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं कर लिया। उच्चायुक्त को वापस भेज दिया, व्यापार रोक दिया, दोनों देशों के बीच ट्रेन सर्विस और बस सर्विस रोक दी, भारतीय फिल्में सीरियल बैन कर दिए, दुनिया भर में फोन घुमा लिए, बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि सुरक्षा परिषद में मामला लेकर जाएंगे, पाकिस्तानी विदेश मंत्री चीन तक घुमाए। लेकिन पाकिस्तान को हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान की कूटनीतिक पिटाई ऐसी हुई है कि अब संयुक्त राष्ट्र में उसकी प्रतिनिधि मलिहा लोधी का सार्वजनिक जगहों पर जाना मुश्किल हो गया है। खुद पाकिस्तानी नागरिक ऐसे लोगों को खरी खोटी सुना रहे हैं। What are you doing? For last 20 years, 10, 15 years, what are you doing? You representing us? What happens? Please stop. Wait a minute, stop. I'm not going to stop about it. It's not against the law. I'm asking her a question. She works in Pakistan. I'm Pakistani. That's no way of asking. Okay, so I have a question. No, no, no. People are going to reach to you like this now. Nobody's going to get away anymore. Nobody. We are not replying like that. You're not replying. No, we do not reply like yeah, that's you guys are stealing our money. No, you guys are thieves for 20 years. 20 years. 20 years. 20 years. Watch your back. Oh, sorry. 20 years. You guys are thieves. All of you guys. You don't deserve to represent Pakistan. अपना देश तो दूर, अपनी इज्जत तक संभल नहीं रही है और पाकिस्तान इस ताक में बैठा है कि कश्मीर में कुछ गड़बड़ हो जाए ताकि उसे मौका मिले। लेकिन पाकिस्तान की खूनी हसरतें धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि भारत ने कसम खाई है कि कश्मीर में गड़बड़ होने नहीं देंगे। प्राथमिकता यही है कि किसी की भी जान का नुकसान नहीं हो। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लद्दाख में DRDO की लैब से आज तक की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रहिए खबर। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, भारत सरकार की यह संस्था सेना के लिए आधुनिक तकनीक और सीमाओं की हिफाजत के लिए एक से बढ़कर एक हथियार बनाती है। लेकिन आज हम आपको हिमालय की गोद में मौजूद DRDO की उस रिसर्च लैब में लेकर चलेंगे जहां हथियार नहीं बल्कि भारतीय फौजियों के लिए संजीवनी की खेती की जाती है। लेह लद्दाख में DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च को आप बाग बगीचों वाली लेबोरेटरी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां उगाए जाने वाले फल और सब्जियां 100% ऑर्गेनिक होने के साथ साथ उन खूबियों से भी लैस होते हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। लेह में हजारों फीट की ऊंचाई पर DRDO की यह प्रयोगशाला हरे भरे गांव की तरह दिखाई देती है, जिसमें DRDO सोलो नामक उस पौधे की भी खेती करता है जिसका जिक्र PM मोदी अपने भाषण में संजीवनी बूटी के तौर पर कर चुके हैं। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने DRDO की बाग बगीचों वाली इस रिसर्च लैब का दौरा किया। अब आप लेह लद्दाख में DRDO की संजीवनी लैब से आज तक की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लद्दाख में इन पहाड़ों के बीच DRDO के इस ग्रीन लैबोरेटरी में ऐसी चीजें तैयार होती हैं जो न सिर्फ जवानों की जीवन रक्षा के लिए काम आती हैं बल्कि यहाँ किसानों की आय भी दुगनी कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था, जवान के लिए भी करेंगे, किसान के लिए भी करेंगे। कम से कम DRDO लद्दाख में वही कर रहा है। फिलहाल लेह में परमिंदर शर्मा के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
आपको कई न्यूज चैनलों पर लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर संजीवनी बूटी की खोज करने वाली कई रिपोर्ट देखने को मिली होंगी, जो कि लद्दाख के पहाड़ों पर आसानी से मिल जाती है। लेकिन डीआरडीओ की ग्रीन लैब से आज तक की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको कहीं और देखने को नहीं मिली होगी। तभी तो हम कहते हैं कोई नहीं दूर दूर तक, देखते रहिए आज तक। वैसे संजीवनी से बहुत सारी मुसीबतों का इलाज हो सकता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन का इलाज नहीं हो सकता। इसके लिए हर इंसान को अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे। कभी तेज गर्मी, कभी अचानक आई बाढ़, भारत ने इस साल मौसम के कई हैरान करने वाले बदलाव देखे हैं। एक तरफ देश में बरसात ने कहर बरपाया है और सब कुछ डूब रहा है, तो दूसरी तरफ देश के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां सूखे जैसे हालात हैं और तेज गर्मी पड़ रही है। जिस जलवायु परिवर्तन को बहुत से लोग बोरियत से भरा हुआ विषय समझते हैं, वो अब एक आपदा बनकर आ गया है। कर्नाटक और केरल के साथ साथ अब बारिश और बाढ़ से महाराष्ट्र भी बेहाल है। महाराष्ट्र में बाढ़ के कारण अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। पुणे के सभी 5 जिलों में बाढ़ का प्रकोप ऐसा है कि करीब 584 गांवों को खाली करवाना पड़ा है, जबकि केरल और कर्नाटक में बरसात और बाढ़ अब तक 130 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। दक्षिण भारत के इन दो पड़ोसी राज्यों में अभी नदियां उफान पर हैं, लोगों को बचाने के लिए सेना तक तैनात करनी पड़ी है। दूसरी तरफ जुलाई 2019 तक भारत का 46% हिस्सा सूखे के प्रभाव में था। मौसम के इस कुचक्र के बीच सबके दिमाग में एक ही सवाल कौंध रहा है, क्या भारत भी जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान की चपेट में आ चुका है? इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। आपको हमारी इस रिपोर्ट में सारे जवाब मिलेंगे। आधा हिंदुस्तान इस वक्त जबरदस्त बरसात और बाढ़ की चपेट में है। हालात ऐसे कि शहर के शहर डूबे हुए हैं। मौसम की जानकारी देने वाली वेबसाइट अल डोराडो के मुताबिक पिछले 48 घंटे के भीतर दुनिया की जिन 15 जगहों पर सबसे ज्यादा बारिश हुई है, उनमें 8 भारत में है। गुजरात के शहर नालिया में रिकॉर्ड 10.3 इंच बारिश हुई, वहीं पास के ओखा में 6.54 इंच, राजकोट में 5.83 इंच, पड़ोसी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में 5.59 इंच, केरल के कोची में 4.97 इंच, अलपुजा में 4.45 इंच और कोझिकोड में 4.57 इंच बारिश हुई। यानी भारत में मॉनसून की बारिश का पैटर्न ऐसा हो गया है कि कम वक्त में ज्यादा बरसात दर्ज हो रही है। लेकिन भारत के पश्चिम तट पर जबरदस्त बरसात के बावजूद देश में मॉनसूनी बरसात का औसत कम है, और ये ट्रेंड पिछले करीब 30 सालों से देखने को मिल रहा है। जहां 1990 के दशक में सामान्य से 20% ज्यादा तक मॉनसून दर्ज होता था, वो 2012 के बाद से ही सामान्य से कम रहा है, जो भारत पर ग्लोबल वार्मिंग के असर का परिणाम है। इसका एक परिणाम ये भी है कि अल डोराडो वेबसाइट ने ही 2 महीने पहले दुनिया के सबसे गर्म शहरों में भारत के 4 शहरों का नाम दिखाया था। भारत में गर्मी के बढ़ते ट्रेंड की पुष्टि आंकड़े भी करते हैं। साल 1901 से आंकड़े देखें तो 2018 यानी पिछले 119 साल में छठा सबसे गर्म साल रहा, हालांकि ये 2016 से थोड़ा कम था। पिछले साल मॉनसून और प्री मॉनसून के दौरान भी तापमान सामान्य से अधिक था। जून महीने में जब उत्तर और मध्य भारत में गर्म हवाएं चल रही थी, तो चेन्नई में 70 साल का भयानक सूखा पड़ गया। यानी गर्मी के मौसम में भयंकर गर्मी और मॉनसून में भयंकर बरसात। क्या भारत पर ग्लोबल वार्मिंग का असर हो रहा है? क्या इसी वजह से भारत के मौसमों का पैटर्न बदल रहा है? यही वजह है कि जुलाई में मॉनसून आने तक दक्षिण भारत के जो इलाके सूखे की चपेट में थे, वो अब बाढ़ के पानी में डूबे हैं। भारत के एक्सपर्ट राज भगत पल्लीचामी का मानना है कि हर घटना को एक ही खांचे में फिट करना सही नहीं है। हालांकि ये देखना होगा कि देश के कई हिस्सों में एक ही दिन में मौसम में जबरदस्त बदलाव हुए। दुर्भाग्यवश ऐसी घटनाओं का पूर्वानुमान करना बहुत मुश्किल है। लगातार प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल और लगातार बढ़ती जनसंख्या के चलते ऐसी घटनाओं का असर व्यापक होगा, और अगर इतनी ही संख्या में आगे भी मौसम परिवर्तन की घटनाएं होती रही तो नुकसान ज्यादा होगा। भारत पर ग्लोबल वार्मिंग के असर पर वैज्ञानिकों की राय बटी हुई है, लेकिन मौसम में बदलाव का एक ऐसा सच है जिसे नकारा नहीं जा सकता। आज तक ब्यूरो।
वैज्ञानिकों का कहना है कि हाल के वर्षों में जिस तेजी से भारत में जलवायु परिवर्तन हो रहा है उतनी तेजी से पिछले 100 वर्षों में कभी नहीं हुआ। अंदेशा यह भी है कि वर्ष 2030 तक भारत का औसत तापमान लगभग 1 डिग्री बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर समय रहते कारगर कदम नहीं उठाए गए तो भारत की नदियों का जल स्तर बढ़ेगा, तूफान और बाढ़ के साथ साथ असहनीय गर्मी झेलनी पड़ सकती है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद एलईडी लाइटिंग से जगमगाते संसद भवन की मनमोहक तस्वीरें, आप रहिए खबरदार। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे मौकों पर आपने संसद भवन को जगमगाते हुए देखा होगा, लेकिन अब हर रात संसद भवन की इमारत बहुत ही सुंदर लाइटिंग से जगमगाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में लगाई गई परमानेंट लाइटिंग का उद्घाटन किया। संसद भवन की भव्यता में 4 चांद लगाने के लिए इसके चारों ओर 800 से अधिक एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। इस लाइटिंग की एक विशेषता यह है कि ऊर्जा की कम खपत करती है और एक और विशेषता यह भी है कि लाइटिंग को इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि इसके रंग बदलते रहते हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाले इस लाइटिंग सिस्टम से संसद भवन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक जगमगाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले यहां पर उद्घाटन किया है इस एलईडी लाइट का, और इस एलईडी लाइट के जरिए संसद भवन कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मंशा थी कि करीब 22,000 के आसपास बल्ब पहले इस्तेमाल किए जाते थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिजली खपत होती थी। लोकसभा सचिवालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात करके ये कहा कि अगर एलईडी बल्ब का इस्तेमाल किया जाएगा तो इतनी बिजली की खपत नहीं होगी। इसको लेकर के बड़े स्तर पर 25 से 30 दिनों में क्रियान्वयन किया गया CPWD के जरिए, और इस पर कदम उठाते हुए यहाँ पर जो लाइटिंग लगाई गई है वो खास तरीके की है। अब आपको बता दें कि वर्ष भर ऐसे ही जो लोकसभा है या फिर संसद भवन है यहां पर लाइटिंग होती रहेगी। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देश के ऑटो सेक्टर में मंदी के अटैक से जुड़े आंकड़ों की छोटी सी डोज आपको दिखाएंगे, आप रहिए खबरदार। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।